कौन है असली दिलवाले, क्या थी अरुण और सपना की कहानी, आखिर क्यों इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिशा और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 1994 में आई अजय देवगन, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म दिलवाले को कौन भूल सकता है। रोमांटिक एक्शन प्लॉट में बनी इस फिल्म के लिए आज भी एक्टर्स को उनकी उम्दा एक्टिंग के लिए वाहवाही मिलती है। 1994 की इस हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म को हैरी बवेजा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के हिट होने के बाद हैरी ने कई फिल्म्स अजय देवगन के साथ करी, जैसे दिल जले, दीवाने और भी। इस फिल्म को परमजीत बवेजा ने प्रोड्यूस किया था। अजय देवगन की फिल्म्स दिल जले, दीवाने, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट को भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। बात करें फिल्म की कास्ट की तो इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में अजय ने अरुण सक्सेना का किरदार भी निभाया था। फिल्म की लीड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सपना का रोल किया था। साथ ही फिल्म में सुनील शेट्टी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा विलन के रोल में परेश रावल नजर आए थे, जिनके किरदार का नाम मामा ठाकुर था। मामा ठाकुर के छोटे भाई हरपाल ठाकुर का किरदार प्रमोद मोठो ने निभाया था। वहीं विलन के सपोर्टर में सुनील ग्रोवर भी शंकर बिहारी बनते हुए नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म में अरुण की मां का रोल रीमा लगू नजर करती आई थी, और वहीं सईद जाफरी पुलिस कमिश्नर के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की स्टोरी एक एपिक रोमांटिक स्टोरी है। फिल्म में मेन कैरेक्टर के अलावा हर एक एक्टर के कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है। फिल्म की शुरुआत मेंटल हॉस्पिटल से होती है, जहां डॉक्टर्स अरुण सक्सेना के डिफरेंट केसेस की स्टडी करते हैं। उस हॉस्पिटल में ही अरुण सक्सेना एडमिट होता है। अरुण की मां डेली मंदिर जाती है, मगर अपने बेटे को बचाने के लिए एक भी आशा की किरण ना मिलने के बाद मंदिर में भगवान की तरफ नहीं देखती, जिसके बाद एंट्री होती है एक नो नॉनसेंस हॉट हीटेड ऑनेस्ट कॉप विक्रम सिंह की, जिसे अरुण का केस दिया जाता है। जब वह अरुण से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है, तब अरुण का सपना के लिए प्यार देखकर उसके मन में अरुण के लिए सिंपैथी होती है, और वो रीज़न ढूंढने लगता है कि कैसे अरुण को किसी का मर्डर कर सकता है। और यहीं से मूवी की कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। जब विक्रम अरुण की माँ से मिलता है तो मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि अरुण अपनी सिंपल लाइफ में खुश रहने वाला इंसान था, और वह कैसे सपना से मिलता है और उनका प्यार एक एपिक लव स्टोरी बन जाता है। मगर सपना के मामा, जो शरीफी के चादर में काले काम करते थे, वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि वह सपना की प्रॉपर्टी चाहते थे, जिसके लिए सपना के मामा एक लड़की के मर्डर में अरुण को फ्रेम कर देते हैं। और कोर्ट में जब सपना भी अपने मामा की बातों का भरोसा करके अरुण का साथ नहीं देती, तो वह मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। सच जानने के बाद विक्रम अरुण को अपने अंडर रखता है और अरुण के साथ मामा ठाकुर को पकड़ता है। साथ ही विक्रम और अरुण सपना को दोबारा एक करता है। विक्रम भी सपना को पसंद करता था, मगर उसने ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी और सपना को अरुण को दे दिया, और इसी तरह विक्रम फिल्म के टाइटल दिलवाले को रिप्रेजेंट करता है। ट्विस्ट से भरी इस मूवी के गाने भी बहुत पसंद किए गए थे। अब ऐसी मूवी का सेकेंड पार्ट भला कौन ना देखना चाहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने जरूर बताएं। ये कहानी लिखी है मुस्कान गुप्ता ने। धन्यवाद।